जो बाबा का दरबार लगाया गया है, बड़ा सुंदर दरबार सजाया गया है, उसको निमटा ले। नेटवर्क तो वैसे भी कम है। अच्छा, इसका यूज भी है वैसे ही दिखाने के लिए? एक बार दिखाइए थोड़ा, बोलिए और दूसरे से कॉन्टेक्ट करिए। सोनू एक बार बोलिए भाई, रब्बू सोनू एक बार टोकी वोकी में बोलिए भाई। स्टार्ट है भाई। जो बाबा होते हैं ढोंगी होते हैं, लोग उसको ढोंग में वो करते हैं, लेकिन ये बाबा है ऊपर वाला बाबा, ये खुद ही अपना चमत्कार देता है। जब ही लोग यहाँ फिलहाल हम चुलकाना धाम में पहुँच चुके हैं भाई, और यहाँ पे मैं आज मतलब कई सालों का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है, जो कि लगभग एक दिन में लाखों लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा की बात करूँ, सुरक्षा में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई गई है, और फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस प्रशासन भी, और जो अपनी तरफ से भी मंदिर की तरफ से भी जो है अलग तरीके से जो है सुरक्षा लगाई गई है। और फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ जूते काट दूँ, चप्पल काट दिया भाई। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ से लगातार आप ये भगत जन भी यहाँ पर पहुँची गई है, ताकि श्रद्धालु जो है बड़ी आराम तरीके से बाबा के दर्शन कर सकें। और सबसे खास बात जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, मंदिर की तरफ से जो है पर्सनल यहाँ पर बाउंसर लगाए गए हैं, बाउंसरों की जो आज सबसे पहले मैं मंदिर में देख रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और क्या हाल? ठीक है भाई साहब। अच्छा, पहली बार देख रहा हूँ, चलो पानी तो मिल गया। अच्छा, पहली बार देख रहा हूँ मंदिर में इतनी जबरदस्त तरीके से सुरक्षा लगाई गई है भाई। मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए ये सुविधा की गई है, ताकि भक्तजनों को आने वालों को कोई परेशानी ना हो। मैं पता क्या, कहीं मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं बाउंसर जो यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब कई बार हम जो बाउंसर का यूज करते हैं ना, तो पब्लिक से बचने के लिए या तो किसी कलाकार को या किसी को धक्का, मतलब ताकतवर चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे मतलब बाउंसरों की क्या जरूरत पड़ी? वो किसी भी भक्त जन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाउंसरों को यहाँ पे लाया गया। अच्छा, मतलब फोर्स डालना सुविधा के लिए, सुविधा ना हो किसी को, कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की। कई बार पब्लिक मतलब आपस में व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ये बाउंसर लगाए। चलो भाई, जो मतलब सुरक्षा लगाई गई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो बाउंसर है वो मतलब यहाँ पर मंदिर के जो थे वो जो सेवा करदार है, हाँ, वो यहाँ नहीं है। वो भी है सेवादार, भी हर कोने पे आपको सेवादार मिलेगा, सिक्योरिटी भी है, पुलिस प्रशासन भी है। हाँ, ये पुलिस वाली तो बात ठीक है। चलो, ये पुलिस वाली बात ठीक है। देखो, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, और दर्शन की अगर बात देखेंगे तो बड़े अच्छी तरीके से जो है श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल भगत जन से बात पूछ लेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बढ़िया है भगत, कोई दिक्कत नहीं इधर, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो भाई, मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो लगभग जो है यहाँ पर जो है कहीं दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ से जो है ये देखो दरबार, जो बाबा का दरबार लगाया गया है, बड़ा सुंदर दरबार सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये, एक मिनट, ये जो पानी की देख सकते हैं आप, ये पानी सर भक्तों के लिए है। हाँ, ये भक्तों के लिए है, कोई भी ले सकता है। ये भाई भक्तों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है भाई साहब। एक मिनट, अच्छा आप भी बाउंस रिंग में हो गए ना? भाई हम तो सेवा में, भाई हम तो सेवा में है, बाबा की सेवा करने लग रहे भाई, जी जान तक दिल से सेवा कर रहे भाई। वो भूमि है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। अब की बार भक्तों ने मतलब कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ भाई, कति तोड़ दिया भाई। व्यवस्था भी बढ़िया हो रही है मेरे भाई, बढ़िया हो रही है, दर्शन बहुत भैया, चुलकाना धाम की भूमि पहुंचे। धन्यवाद भाई। अब की बार जो पुलिस की सुरक्षा भी काफी बढ़िया तरीके से लगाई गई है, और इस तरफ मैं दिखाऊंगा ना, तो ये देखिए यहाँ पर जो है दर्शन किस तरह से जो है अलग से जो है इनको एंट्री दी गई है, जो यहाँ पर बाबा के दरबार में आते हैं। देखो, ये जो है उस तरफ से जो है दर्शन करेंगे, उस तरफ से जो एंट्री होगी, इस गेट से भी जो है एंट्री हो रही है, उस गेट से भी एंट्री हो रही है। ये देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से सुविधा लगाई गई है। फिलहाल अगर जो कूलरों की बात करें, तो यहाँ पर जो है कूलरों की व्यवस्था करी गई है, ताकि जो है गर्मी में परेशानी ना हो। और इस तरफ ये देखेगा ना, तो काफ़ी ये जो LED है, जो अंदर जो दरबार में मत्था टेक रहे हैं, जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगत जन, वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल ये देखेंगे, ये पानी के लिए जो काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने बनाई गई है, ये देखो पानी की सेवा चल रही है। अच्छा, पानी की सेवा कर रहे जी? हाँ जी, तो पूरा दिन लगातार चलती रहे? हाँ जी, पूरा दिन। यानी कि भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए? नहीं है। अच्छा, कोई और सुविधा भी हो रही है? सारी सुविधा चल रही जी। तो भाई, सबसे खास अहम बात, हाँ जी भाई,
भाई साहब राम 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 भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इतनी अच्छी तरीके से सुरक्षा जो बनाई गई है, मतलब चौंक गए भाई। मतलब मंदिर में बहुत सारे में गए, लेकिन बाउंसर तो ले गए, पुलिस तो ले गए, और आप भी सेवादार हो भाई। हम कोई तनखा ले दे, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ बाबा की सेवा में हम, हमने बाबा की तरफ तो बहुत बहुत बढ़िया लाइट लागे ये ठीक है ठीक है। हमने बाबा की तरफ तो हमने बहुत हमारा जी ला गया सेवा कर दिया ना, हमारा मन ला गया सेवा कर दिया ना भाई, हमारा बड़ा बढ़िया मजा आया। अरे भाई सुन, खाटू श्याम चुलकाना धाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दो ही है भाई। वैसे तो भाई कोई कहीं कोई कहीं कोई ये भी धाम है वो भी धाम है, ये एक्स वाई जेड बहुत धाम है। जहाँ दिया शीश का धाम वहाँ चुलकाना धाम, जय श्री श्याम। इतनी भीड़िया तो बागेश्वर धाम जो भी चल रहा है वहाँ पे देखी थी, या फिर उससे ज्यादा ही होगी मेरे सामने भाई साहब। कल भी 21,000 झंडे आए थे, 11,000 झंडे आए थे, और वैसे तो पता नहीं आदमी कितने कितने आया यहाँ पे, कई लाखों में भगता रहे, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा झंडे आया, लग 21,000 से भी ज्यादा भैया, लगभग 1,00,000 जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ, फिलहाल हमारी लाइन में एक बार में 25,000 तक लोग घुस जाते हैं दोनों लाइनों में। पानी पानी मंगा रखा भाई, वो भी लग गया। अच्छा, इतना 2,50,000 पाउच एक बार पानी गया, 2,50,000 एक बार, 5,00,000 पाउच आ चुके हैं। बाकी जो सेवादार है, कोई एक गाड़ी भेज रहा, कोई दो गाड़ी भेज रहा, कोई फ्रूटी भेज रहा, कोई कुछ भेज रहा। हाँ जी, बाकी ये सेवा लग रहा है। हाँ, समालखा से लेकर गांव चुलकाना तक भंडारे लगाए हुए हैं, बनी होना है गाँव वाले होना है, सब ने 56 भोग लगे हुए हैं, दो एक लड़की कन्या पाठशाला स्कूल में और एक यहाँ लाइब्रेरी में। मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से नहीं है भाई, ये अपनी तरफ से ही जो अपने श्याम रसोई है वो करते हैं। एक यहाँ लूथरा है भाई साहब, संभाल के वो कर रहे हैं यहाँ पे भाई। ये देखो ये क्या है, इसको अपनी टोकी वोकी है भाई, ये टोकी वोकी जो है मतलब क्यों यूज करते हैं इसको, थोड़ा कैमरा सेवादार है, एक थोड़ा कैमरा लेके आया। अच्छा, ये वो की टोकी भी यहाँ पे जो है, हम भाई 80 सेवादार है गाँव के, हम ये 10 टोकी वोकी ले रहे, कई बार फोन में रेंज रहा है या ना रहा है, कम से कम इसमें रेंज करके कोई रोड़ा हो कोई रब्दा हो हम उसको निपटा लेते हैं। नेटवर्क तो वैसे भी कम है। अच्छा, इसका यूज भी है वैसे ही दिखाने के लिए, एक बार दिखाइए थोड़ा, बोलिए एक बार दूसरे से कॉन्टेक्ट करिए। सोनू एक बार बोलिए भाई, रब्बू सोनू एक बार टोकी वोकी में बोलिए भाई। स्टार्ट है भाई, बड़ी काफी जबरदस्त जो मतलब यहाँ पर सेना लगाई गई है भाई बाबा की, ताकि मतलब मैं ये नहीं समझ पाया कि कमांडो की, एक भाई ने मतलब ये पूछा कि कमांडो की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर, क्योंकि फोर्स के लिए होते हैं कमांडो, तो मतलब यहाँ पे कमांडो की जरूरत क्यों, कमांडो की जरूरत ऐसे पड़ी है भाई। मतलब जो स्पॉन्सर हुए, दो गेट खुले हुए हैं बाबा के, वैसे तो 3 गेट हैं, दो गेट खुल रहे हैं, एक गेट से इधर आते हैं इधर जाते हैं, लेकिन बीच में जो है ना, बीच में जो जंगरी लगी हुई है उसके लिए हमने बाउंसर रखे हैं। अगर गांव वाले हम होंगे तो गांव के कुछ लोग दर्शन करने आते हैं, फिर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस वजह से हमने बाउंसर रखे हैं। बाउंसर के कोई जान पहचान नहीं है? हाँ, कोई जान पहचान नहीं है, सब बाहर के हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग दूर दूर जैसे है भैया, दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बड़े तरीके से जो है यहाँ पर जो है लगाई गई, क्योंकि ये डिफाइन करना था, और लगभग मेरे ख्याल में 100 से भी कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है, 200 पुलिसकर्मी है भाई, 170-180 के करीब है। अच्छा, तो मतलब गांव वालों की तरफ से भी कोई सहयोग मिल रहा है? हाँ, पूरा यार, पूरे गांव का सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग है, सभी तो तभी तो मेला होता है। हर एक चौक में गांव पार्किंग लगा रहे अपनी, कोई गाँव साड़ा किसी की तरफ से, कोई फ्री, कोई कैसे, कोई कैसे, हमने लगा रहा जी, तो गांव की सेवा, पूरा गांव सेवा कर रहा है भाई। मतलब मंदिरों में मतलब इस तरीके से भाई, मतलब देखा भाई, पानी की, मेडिकल की भी व्यवस्था है बीच में, मेडिकल की है, 5 डॉक्टर बैठे हैं, एम्बुलेंस है भाई, एम्बुलेंस भी, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, सब चीज है भैया। अच्छा, अब कब तक लोग यहाँ, मतलब कब तक चलेगा ये मेला भैया? ये 2 दिन पहले से तो चल रहा है, लेकिन कल शाम तक तो सोच रहे थे हम निपटेगा, लेकिन परसों संडे है, निपटेगा नहीं तो 2 दिन और चलेगा। मेरे को ऐसा लगा कि 12 महीने तक ऐसे रहने वाला है, समझे नहीं, जो ये भीड़ आज वाली है ना, ये 2 दिन तक चलेगी। वैसे तो आम भीड़ तो यार 5-7-10,000 लोग तो हर रोज आते हैं, आपको पता ही है, आम भीड़ का तो, आम भीड़ का तो आपको पता ही है, कल दंगल है। चलो भाई, मतलब ऐसा, चलो एक सवाल बड़ा है, चलो हमारी बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन इसका क्या इफेक्ट है कि मतलब सब दारू लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यार चमत्कार को नमस्कार है, नमस्कार भैया। जो बाबा होते हैं ढोंगी होते हैं, लोग उसको ढोंग में वो करते हैं, लेकिन ये बाबा है, ऊपर वाला बाबा, ये खुद ही अपना चमत्कार देता है। इसका कोई टाइम नहीं है, किसी की साल में हो रही है, किसी 1 घंटे में भी हो रही है, किसी 2 महीने में भी हो रही है, इसका कोई टाइम नहीं है भाई।
तुरंत चमत्कार, तुरंत चमत्कार है, मतलब होएगा जरूर काम। हाँ काम जरूर होएगा भाई। तो भाई आपने भी कुछ चमत्कार देखा है भाई? चमत्कार हम तो लोगों से सुन रहे हैं, हम तो सेवादार हैं, हम लोगों को बोलते हैं भाई तू आप कहाँ से आए? बोले मैं पठानकोट से आया भाई, वहाँ इतनी दूर को करने। बोले मैंने बाबा के लिए बोला, बाबा ने मेरे एक घंटे में काम कर दिया, मैं तो यार दो घंटे बाद बाबा के चरणों में आ लिया। बड़ी शानदार भाई। ओके भाई साहब, बहुत टाइम देने के लिए धन्यवाद। क्या नाम आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार चुलकाना से। चुलकाना से संदीप। फिलहाल भाई देखिए कूलर भी लगाया। अच्छा इतनी गर्मी होगी कि कूलर? दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई। अच्छा दिन के लिए? हाँ दिन में ज्यादा गर्मी थी, इस वजह से कूलर था। अच्छा ये एक बार मैं पूछता हूँ, इस झंडे के ऊपर जो है क्या चीज? ये नारियल है, अर्जी लगती है बाबा की अर्जी। ये नारियल है, इसके ऊपर जो हम बोलते हैं यार अपनी मन्नत के लिए वो है। तो मतलब एक गुलाब का फूल जरूर ले के आता है श्रद्धालु? हाँ एक गुलाब का फूल जरूर। तो मैं पूछूंगा भगवान से, मतलब एक गुलाब का फूल बाबा से प्यार है ना? बाबा से प्यार है, बाबा से प्यार है, तभी तो गुलाब का फूल लेके चलेंगे। बाबा से प्यार है। एक ये ध्वजा झंडा जिसको बोलते हैं, तो ये भी जरूर लेके आ भगत लोग। बस भगत जी ऐसा जो बोलता है मैं झंडा लेके जाऊँगा वो झंडा लेके आएगा, लेकिन कुछ अब तो भक्तों के अपने आप ही देख एक दूसरे को देख देख के झंडा वो भी झंडा ले रहा है। ये जो इतने सारे झंडे रखे हुए हैं एक बार दिखाए, मतलब इसको मतलब कहाँ पे ले, क्या कहाँ ले जाएंगे? ये तो भाई पुजारी का, जो यहाँ मंदिर का चढ़ापा पुजारियों का। अच्छा पुजारियों का। चलो भाई धन्यवाद भाई साहब। एक बार मैं इनसे पूछ लूँ भक्तों से, तो जय श्री श्याम। ओके ओके चलो भाई हम किसी से पूछने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछ लेंगे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। अरे फूल दिखाइए एक बारी, ये फूल लेके क्यों आए हो? ये फूल क्यों ले आते हैं? बाबा के लिए। अच्छा बाबा को देते हैं? बाबा से प्यार है? बाबा से प्यार। कहाँ से आए हो आप? हम भट्टी कल्याण से। भट्टी कल्याण से। अच्छा नजदीक से हो आप यहाँ से? आप कहाँ से आए? चीन से। चीन से। कितनी दूर से? हाँ ओके ओके। तो भाई ये जींद से आए हैं, और जो ये एक मिनट ये जो इसके ऊपर ये बांध रखा है इसमें क्या है? नारियल। नारियल। अच्छा नारियल है इसका बोला। अच्छा कब से आ रहे हो यहाँ पे? कब से आ रहे हो? हम तो कई साल तक हैं। बाबा की चमत्कार तो कर रहे हैं बाबा। चमत्कार कर देता हूँ भाई, मैं पैदा भी नहीं होता दिया करके आवा, 30 साल का मैं हो लिया देख ले। चलो भाई भक्तों से बात करी फिलहाल, और तो कैसा लगा आपको? और सर से बात कर लेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं? यहाँ कम से कम 55-60 होंगे। 55-60। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वैसे? ना कोई दिक्कत नहीं, मतलब श्रद्धालु लोग बढ़िया तरीके से दर्शन करते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। तो भाई देख सकते हैं सर भी बड़ मतलब यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा इतन धन्यवाद सर। ये 3 गेट हैं सर इस मंदिर के, इन पर कम से कम 12-13 जवान हैं, लेडीज भी हैं, लेडीज कांस्टेबल और जेंट्स भी। अच्छा जेंट्स भी और लेडीज भी है। हाँ जी। अच्छा 24 घंटे होगी ड्यूटी तो वैसे? हाँ 24 घंटे, दो शिफ्ट हम चलते हैं, दिन में अलग होते हैं नाइट में अलग। अच्छा कब तक ड्यूटी लग रही है आपकी, मतलब कब लगी आपकी ड्यूटी और कब तक है? ड्यूटी तो सर हमारी लगी थी ये 4 तारीख तक है। अच्छा मतलब 4-5 दिन की ड्यूटी है? 4-5 दिन की। ओके सर। तो भाई पुलिस जो है अपना मतलब बढ़िया सुरक्षा कर रही है यहाँ पर, जो भक्तजन लोग आ रहे हैं, और ज़रूरी भी है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। नमस्कार।